सब्सक्राइब करें नेटी पहाड़ी चैनल को और लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। देवप्रयाग हम पहुंच चुके हैं। कोटेश्वर महादेव मंदिर से हमने स्टार्ट किया था, तो करीबन 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और मैं थोड़ा सा देवप्रयाग के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, प्रयाग का मतलब होता है संगम। तो यहां पर क्या है, भागीरथी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कोटेश्वर महादेव मंदिर में, तो भागीरथी आप मेरे इस साइड को देख सकते हैं और यहां से अलकनंदा, तो इन दोनों का संगम यहां पर हो रहा है। और ऑफिशियली अगर आप बोलेंगे तो जो गंगा यहां से स्टार्ट होती है, तो इन दोनों के संगम को ही देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी पवित्र और पूजनीय स्थान है ये, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए और इस व्यू को एंजॉय कीजिए। आप जानते हैं कल शाम को हम देवप्रयाग पहुंच गए थे, हमने नीचे आपको संगम भी दिखाया था। अब मैं थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं। इस समय जहां पर हम ठहरे हुए हैं, रामकुंड रिसॉर्ट इस प्रॉपर्टी का नाम है। और देखिए, ये भी देवप्रयाग में आपका पड़ता है। थोड़ा सा आपको बता देता हूं, अगर आप यहां पर आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। वैसे तो आपको 500, 1000, 1500 इतने रेट में भी आपको रूम्स मिल जाएंगे। आप देख रहे होंगे वो ब्रिज के ऊपर जो मार्केट एरिया है, वहाँ पर आपको रूम्स मिल जाएंगे। अब इस प्रॉपर्टी में आने के लिए, अब देखिए वो एक रोड देख रहे हैं आप, वो सीधा अगर आप चले जाएं तो वो ऋषिकेश के लिए चले जाती है, ठीक है। और वहाँ से नीचे के लिए एक रोड आ रही है, पौड़ी के लिए वो रोड जा रही है, तो उस रोड से आपको नीचे आना है और यही आपको घुमा के इस रामकुंड रिसॉर्ट में लेके आएगी। अच्छी प्रॉपर्टी है, रूम्स काफ़ी अच्छे हैं। आप थोड़ा टैरिफ के बारे में बता दूँ, क्योंकि इस समय ऑफ सीज़न चल रहा है तो 2500 रुपये से लेके 3000 रुपये में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ऑन सीज़न में आपको यही सेम प्रॉपर्टी के रेट 4000 भी पड़ जाएगा। देखिए, पंचप्रयाग हमारे उत्तराखंड में है, जिसमें से मैं आपको पांचों प्रयाग बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एक है आपका नंद प्रयाग, फिर दूसरा है आपका विष्णु प्रयाग, करण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और पांचवा देव प्रयाग। कॉमन बात क्या है कि पांचों प्रयाग में जो अलकनंदा नदी है, ये पांचों ही प्रयाग में आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि अलकनंदा जो नदी है, इसके साथ दूसरी नदियों का संगम हो रहा है अलग अलग प्रयागों में। तो ये छोटी सी बात है जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और देखिए, अगर आप भी यहाँ पर आते हैं तो ये पांचों प्रयाग आप प्लान करके आ सकते हैं, पांचों प्रयाग के दर्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों, ऋषिकेश की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं और जो हमारा पहला पड़ाव रहेगा जर्नी का, वो रहेगा आपका तीन धारा। देखिए, तीन धारा एक आप एक तरह से कह सकते हैं ईटरी पॉइंट है, जहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं और काइंड ऑफ अ गढ़वाली टच भी आपको मिल जाता है। अगर आप ऋषिकेश से भी आते हैं, जो भी लोग केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं, तो वहाँ पर जरूर रुकते हैं खाने के लिए, तो आपको वहाँ ले चलेंगे। और दोस्तों, मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हैं, बहुत ही स्पेक्टेकुलर व्यू, जैसे आपने होल जर्नी में देखा ही होगा। और हिमालयन रेंज भी यहाँ से दिख रही है और नीचे गंगा जी आप देख सकते हैं बहती हुई, तो बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो चलेंगे आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको भी जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं, कवर कर सकते हैं, सारी लोकेशन में आपको दिखाने वाले हैं।
तीन धारा में इस समय हम हैं। देखिए देवप्रयाग से हमने स्टार्ट किया था तो करीबन 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका तीन धारा पड़ता है। यहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारे आपको रेस्टोरेंट मिल जाते हैं खाने पीने के लिए, तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप खाना वगैरह आप खा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आप ऋषिकेश से अगर स्टार्ट करते हैं और अगर आप श्रीनगर गढ़वाल होते हुए या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ का सफ़र अगर करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम जो गाड़ियाँ होती हैं, अगर आप बस में आएंगे या फिर अपना टैक्सी वगैरह करके आते हैं तो गाड़ियाँ आपका यहाँ पर रुकती हैं। तो एक एक ईटरी और ईटिंग पॉइंट है और तीन धारा इसलिए कहा जाता है कि तीन धाराओं का यहाँ पर मिलन होता है। तो फेमस सिर्फ इसलिए खाने के लिए, तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, रुक सकते हैं और खाना खा सकते हैं। सो खाने में हमने क्या क्या ऑर्डर किया मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो हमने थाली ऑर्डर करी है और दूसरा है आपका पराठे, प्याज के पराठे। तो देखिए ऑलमोस्ट घर जैसा ही खाना यहाँ पर रहता है, सिंपल आपकी रोटी मिल जाएगी और जो सब्जी भी है अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा नमक मसाला नहीं रहेगा। और टेस्ट भी आपको अच्छा ही मिलने वाला है। तो आप भी अगर यहाँ पर आते हैं तो ये चीज़ें आप ऑर्डर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तीन धारा में टेस्टी खाना खा लेने के बाद हम बढ़ चले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऋषिकेश की तरफ। और दोस्तों आपने ये रोड्स अगर ध्यान देंगे तो ये ऑल वेदर रोड्स हैं, जो चार धाम प्रोजेक्ट है उसके तहत ये बढ़िया रोड्स बनाई गई हैं। दोस्तों ऋषिकेश हम पहुंच चुके हैं और आप ये राम झूला देख रहे हैं, इसकी लेंथ 450 फीट है। दोस्तों ये आयरन सस्पेंशन ब्रिज है और इसको गंगा जी के ऊपर बनाया गया है। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराना सस्पेंशन ब्रिज है। दोस्तों ये है परमात निकेतन, ये सबसे बड़ा आश्रम है और योगा सेंटर भी है। यहाँ हजार से ज्यादा रूम्स हैं। यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग में गंगा आरती होती है, आप चाहें तो ये आरती भी देख सकते हैं। दोस्तों ये है जानकी सेतु, इस ब्रिज की लंबाई 346 मीटर है। कुछ समय पहले ही इसका उद्घाटन हुआ है, आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं और कल कल बहती हुई गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों ये गीता भवन है और ये जो दुकान आप देख रहे हैं गीता प्रेस रिपोर्ट गोरखपुर की पुस्तक दुकान, जहाँ से आप भगवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ की किताबें खरीद सकते हैं। आप यहाँ पे खादी और अन्य प्रकार के कपड़े खरीद सकते हैं, जैसे कि बेडशीट, शॉल्स और कुर्ते। यहाँ की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर आएँ और एक बार यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें और अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर ख़रीदें। सो फ्रेंड्स हमारी जो ये टिहरी की जर्नी थी ये यहाँ पर आज हम समाप्त कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को हमारी ये टिहरी की ट्रिप पसंद आई होगी। देखिए ऋषिकेश में हमने आपको जो कुछ प्लेसेस दिखाई थी जैसे कि राम झूला, फिर हमने आपको परमात्म निकेतन और जो रिसेंटली नया बना हुआ सेतु है जानकी सेतु वो दिखाया था। इसके अलावा भी आप काफ़ी कुछ वहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मण झूला है वहाँ पर, फिर नीलकंठ महादेव का मंदिर है, बीटल्स आश्रम है और वहाँ पर गंगा आरती भी की जाती है। अगर त्रिवेणी घाट में आप जाएंगे शाम के 6:30 बजे करीबन वो आरती भी होती है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। देखिए इस ऋषिकेश की हमने पहले भी वीडियो बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आप चेक कर सकते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा हमारी ये जो टिहरी की जर्नी थी आपको कैसी लगी। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड।